मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में नई दिल्ली में आयोजित मध्य प्रदेश दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, देखिए लाइव तस्वीर। तालियां हो जाए हमारे मध्य प्रदेश गान के लिए। और आप सबको बताना चाहूंगी कि अब से कुछ क्षण पहले माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय विशेष अतिथि ने मध्य प्रदेश के मंडप का अवलोकन भी किया। इस वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम विकसित भारत एट 2047 है। इस थीम पर आधारित मध्य प्रदेश मंडप का निर्माण भी किया गया है। मंडप का आमुख इसी विषय को प्रतिध्वनित करता है और प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के साथ तेजी से बढ़ते एवं विकसित होते मध्य प्रदेश के स्वरूप को दर्शाता है। इसके साथ मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटक स्थलों को भी दर्शाया गया है। अब स्वागत भाषण के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री दिलीप कुमार साहब को, इंडस्ट्री कमिश्नर MD। सभी लोगों को मध्य प्रदेश की ओर से प्रणाम, नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, विशेष अतिथि माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी, मध्य प्रदेश के केंद्र और राज्य शासन में कार्यरत एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण, केंद्र के मंत्री माननीय मंत्रीगण, अन्य इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण, मेरे मीडिया के साथीगण एवं आज के कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभावों का, मैं 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में मध्य प्रदेश दिवस समारोह में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में मध्य प्रदेश राज्य की भागीदारी का शासन स्तर के निर्णय के संदर्भ में आज यह कार्यक्रम है। इस आज संकल्प 2047 के जो मेले की थीम है मध्य प्रदेश के मंडप में, इस थीम के संकल्प को प्राप्त करने की दिशा में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2025 से विकास के 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन तथा प्रदेश में प्रचलित विभिन्न विभिन्न नीतियों, उपलब्धियों, GI उत्पाद, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत आदि को इस मंडप में दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश मंडप में मेले की थीम के अनुरूप प्राचीन सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर के साथ तेजी से बढ़ते हुए विकसित होते हुए मध्य प्रदेश के स्वरूप को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश मंडप प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं पुनः सभी अतिथिगणों का एवं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ तथा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। कुमार कश्यप जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। तिवारी सर बोल रहे हैं कि पहले आपको सुन ले तो ज्यादा, सब इंतजार में है कि आपसे और मंत्री जी से सुनना चाहेंगे। तालियों के साथ अगर स्वागत करें तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज मध्य प्रदेश दिवस का यह समारोह है और इस समारोह में उपस्थित हैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं मध्य प्रदेश की ही हमारी धार की सांसद व केंद्रीय महिला बाल विकास की राज्य मंत्री बहन सावित्री ठाकुर जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी जी तथा यहां उपस्थित समस्त मध्य प्रदेश के उद्यमी बंधु और उसी के साथ वे सब महानुभाव जो यहां विराजे हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के अंदर रुचि है। मध्य प्रदेश एक उभरता हुआ प्रदेश है और आज का यह कार्यक्रम
विकसित भारत की थीम यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हर राज्य ने अपनी अपनी बात रखी है और मध्य प्रदेश की ओर से मध्य प्रदेश के पवेलियन में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की विभिन्न विधाओं का जिस तरीके से स्टाल लगे हैं और मध्य प्रदेश का जो एक विकास का क्रम है और विकसित भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री जी की है उसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो अगले कदम बढ़ाए हैं। आपने मुख्यमंत्री बनते ही पूरे मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक ऐसा क्रम बनाया है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के जिले के अंदर हर युवा उद्यम की ओर आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा आकर्षण पूरे मध्य प्रदेश में पैदा करा है और हर युवा उद्यमी वहां पर आगे आने का प्रयास कर रहा है। और इसी के साथ में देश भर के प्रमुख केंद्रों पर जाकर के बड़े उद्यमियों को भी वहां पर आमंत्रण दिया है। यह एक रणनीति हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाई है कि हमारे उद्यमी भी युवा आगे आए, वे उद्यम लगाए, लघु मध्यम उद्योग उनके लगे और बाहर के उद्योगपति भी आए और बड़े उद्योग भी लगे और उसी सिलसिले में वो अभी 24 तारीख से 31 तारीख तक जर्मनी व यूके की यात्रा पर है। वहां के बड़े इन्वेस्टर्स विभिन्न तरीके के माइंस हो, पर्यटन हो, मध्य प्रदेश की जो अपार संभावना है उनके लिए इन्वाइट करने के लिए वो जा रहे हैं। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री हमें गतिशील मुख्यमंत्री मिले हैं और जिन्होंने संकल्प लिया है कि 2025 का वर्ष मध्य प्रदेश के लिए उद्योग का वर्ष होगा। महिला कल्याण से लेकर के किसान कल्याण की बात हो या युवा कल्याण के कार्य हो या पिछले लंबे समय से हमारी सरकार कर रही है, परंतु उद्योग का क्षेत्र उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री ने लिया है। आज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आपकी उपस्थिति, मध्य प्रदेश दिवस को जो हम लोग मना रहे हैं आज यहाँ पर, मध्य प्रदेश के हमारे लोक नृत्य भी और हमारे जो अखाड़े के प्रदर्शन है वो अखाड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके जो खिलाड़ियों को यहाँ अंदर आने में सुरक्षा कारणों से भी दिक्कत हुई थी, परंतु आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कला के उत्थान में और खास करके हमारे मुख्यमंत्री उज्जैन से है, महाकाल का आप देख रहे होंगे, महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है और उज्जैन की धरा के ऊपर अब जो नए सीएस की तैयारी चल रही है 2028 के सीएस में आप लोग देखेंगे कि पूरा बदला हुआ मध्य प्रदेश आपको दिखेगा। और मैं पुनः इस अवसर पर आप सब लोगों का बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश की ओर आकृष्ट हो और विकसित मध्य प्रदेश बनाने में आप सबका सहयोग प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत। आपने जो हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन बोधन देने का कष्ट करी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जय महाकाल। आज के इस हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 भरत मंडपम पर प्रगति मैदान के अवसर पर एक साथ दो कार्यक्रम का सिलसिला जोड़ा है। मध्य प्रदेश दिवस के अवसर पर व्यापार मेले में हमारे सभी स्टॉल भी लगाए हैं। हमारे माननीय मंत्री जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, एक बार में समय की सीमा है और हम सब भी जिस उत्साह उमंग के साथ यहाँ शामिल हुए हैं मैं मान के चलता हूं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो मध्य में तो है ही लेकिन सभी संभावनाओं से भरा हुआ राज्य है। हम सब सौभाग्यशाली, भगवान ने जब भाग्य दिया तो मध्य प्रदेश को थोड़ा अच्छा ही दिया है, जरूरत से थोड़ा, कोई किसी बात की कमी कसर नहीं रहने दी। परमात्मा की दया से दो ज्योतिर्लिंग जिस स्थान पर हो, माँ नर्मदा, माँ क्षिप्रा और नदियों का तो ऐसा लगता कि मायका है। हमारे लिए सोन नदी जो गंगा जी की धारा को प्रवाहित करते गंगा सागर तक पहुंचाती है, बिहार के बाद गंगा जी से जब सोन मिलती है तो उसका रूप एक अलग रूप में निकल के आता है। और अमरकंटक ऐसी एक स्थान है नदियों का उद्गम का, जहां पर नर्मदा जी और सोन दोनों का अपना प्राकट्य है लेकिन दोनों विपरीत दिशा में, एक गुजरात को समृद्ध करती हुई खंभात की खाड़ी तक जाएगी और एक अपने बिहार से निकल करके अर्थात मध्य में होने के बावजूद भी अगर समग्र रूप से सारी जलराशियों का हिसाब अगर लगाएं
तो हिमालय से गंगा जी और यमुना जी सहित भागीरथी का जितना जल निकलता है उससे ज्यादा जल राशि हमारी मध्यप्रदेश से अपने देश के लिए एक तरह से ये परमात्मा की कृपा है। ऐसी एक नहीं कई सारी बात है। हमारे यहाँ अगर वन्य जीवन की बात करो तो टाइगर स्टेट है, तेंदुआ स्टेट है, अब इतने नहीं आगे बढ़ा तो चीता भी हमारे यहाँ आ गया है और आगे कई सारी चीजों के साथ माइनिंग की संपदा इतनी अच्छी है कि पूरे देश में तो क्या एकमात्र ये राज्य मध्य प्रदेश है जहां हीरा भी है, हमारे यहाँ कापर तो है ही है, लोहा भी है, लेकिन अब तो सोना भी मिल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मध्य प्रदेश में, और लोग भी इतने भले हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश वालों की विशेष पहचान रहती है। कला, संस्कृति, सभ्यता, विविध प्रकार के धर्म और उनके अंदर का सौंदर्य, खास बात मन का भाव उतना अच्छा है। हमारे यहाँ तो आनंद भी ऐसा आता है कि झगड़ा भी करते हैं तो हमारा चंबल का अपना संस्कार है कि अगर पंडित जी से झगड़ा भी करना है तो पहले पंडित जी पाए लागू और फिर बंदूक लेकर धड़ाम जाओ। हमारी अपनी जो मस्ती है उस आनंद का कोई तोड़ नहीं है। जिस भी प्रकार से देखो परमात्मा की दया से यही तो कारण है कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण भी अगर कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए तो मध्यप्रदेश आए, उज्जैन आए। अयोध्या को जब त्यागा भगवान श्री राम ने तो मध्यप्रदेश को अपनाया, हमें इस बात का आनंद है। और चित्रकूट का धाम, तुलसीदास जी अगर चित्रकूट के घाट पे वेट करके अपनी बात कह रहे हैं तो तिलक कौन लगा रहा है? तिलक तो भगवान ही लगा रहा है ना। कितना सुंदर के अच्छी रचनाएं बनी है, एक नहीं, महाकवि कालिदास से लेकर विक्रमादित्य तक, राजा भोज से लेकर के हर काल हर युग में मध्यप्रदेश का अपना गौरवशाली इतिहास है। और मुझे इस बात का दाता बंदी छोड़ के अगर बात करते हैं तो ग्वालियर के किले को कोई कैसे भूल सकता है? एक ऐसा अजय अमर किला जिसकी अपनी एक कहानी है। और बीहड़ के जंगलों में हमने सबकी ठानी है, जाए दुनिया अलट जाए पलट जाए, बीहड़ अपनी एक कहानी अलग करता मिलता है। लेकिन आज बदलते दौर में मध्यप्रदेश बदला है, मध्यप्रदेश बिजली उत्पन्न कर रहा है तो उससे दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चल रही है, हमें इस बात का आनंद है। दिल्ली की मेट्रो की बिजली भी हम दे रहे हैं, और न केवल मेट्रो में दे रहे हैं बाकी कई सारी जगह पर कई सारी बातें हम लेके चलते हैं। अम्बेडकर जी की जन्म जयंती अगर स्थान है तो हमारा महू है, आज हमें डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी से लगा करके स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी तक मध्यप्रदेश के इतिहास से जुड़ करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे विविध प्रकार की अलग अलग विशेषता वाला मध्यप्रदेश, लेकिन अपनी हस्तशिल्प कला से लेकर के व्यापार व्यवसाय की समृद्धि तक सदैव अपने लिए दुनिया के अंदर किसी राज्य की पहचान रही है तो वो मध्यप्रदेश की रही है। हमारे लिए आधुनिक काल में भी अगर अपन बात करें तो आज के दौर में भी मध्यप्रदेश ने पिछले समय जो इन्वेस्टर समिट चालू की है संभाग में, लेकिन अभी इसको और आगे बढ़ाते हुए ये माताएं बहने बैठी है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद में सबसे महत्व के लिए हमने कोशिश की है। हर जिले के अंदर अपने व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना है, हर एक संभाग में अपने अपने प्रकार की व्यवस्था है। तो एमएसएमई उद्योग अर्थात मध्यम श्रेणी के और सूक्ष्म श्रेणी के उद्योगों को लगातार बढ़ावा देते हुए, हेवी इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, सभी प्रकार से रोजगार परक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हुए मर्ज के अंदर औद्योगिक समृद्धि के आधार पर देश का नंबर वन राज्य बने यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। और केवल लिया नहीं है, उसको करके दिखाने के लिए भी हमारी अपनी जीडीपी जो मध्यप्रदेश के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट तय किया उस दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा बजट 5 साल के अंदर डबल करने वाले हैं। आज अगर मेडिकल चिकित्सा की अगर बात करें, पूरे देश के अंदर मध्यप्रदेश ने सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने की अगर गति बढ़ाई है। 2003-04 तक हमारे पास कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेजों में अभी एडमिशन हो चुका है हमारे अपने मध्यप्रदेश में, अर्थात ये 20 साल में 12 और 55 साल में 5, लेकिन इसी एक साल में 12 नए मेडिकल कॉलेज के टेंडर हमने लगा दिए पीपीपी मॉडल पर। ये 12 मेडिकल कॉलेज और 8 हमारे पाइपलाइन में और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, अर्थात आने वाले एक साल के अंदर लगभग 50 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश की धरती पे हो जाएंगे।
जो हमारी 400 से 500 मेडिकल कॉलेज की यूजी की सीटें थी, ये 5000 तक हमारी संख्या बढ़ेगी। कुल मिलाकर एक नहीं अनेक अनेक बातों में, मेडिकल की शिक्षा हिंदी में देना, शिक्षा नीति को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू करना, ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और खास करके आज हम अपनी कल्याणकारी योजनाओं नीतियों के बलबूते पर अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए व्यापार उद्योग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस मंच का भी उपयोग कर रहे हैं। भारत हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि हमारी प्राचीन संस्कृति कलात्मक धरोहर को भी सबके सामने प्रकट करें और सभी प्रकार का हौसला बढ़ाते हुए इसमें अपनी प्रदेश की अलग एक पहचान बनाए। आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाले प्रदेश में अगर किसी का स्थान बना है तो मध्य प्रदेश का बना है। इसीलिए हमने केवल आज ये मेला करके खत्म नहीं करने वाले, आने वाला 2025 का वर्ष हम उद्योग वर्ष के नाते से मनाने जा रहे हैं, जहां लगातार उद्योग और व्यापार व्यवसाय की गतिविधियों को। हम भूलेंगे नहीं, ऐसे कई सारे काम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और खास करके आज हम अपनी कल्याणकारी योजनाओं नीतियों के बलबूते पर अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए व्यापार उद्योग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस मंच का भी उपयोग कर रहे हैं। भारत हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि हमारी प्राचीन संस्कृति कलात्मक धरोहर को भी सबके सामने प्रकट करें और सभी प्रकार का हौसला बढ़ाते हुए इसमें अपनी प्रदेश की अलग एक पहचान बनाए। आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाले प्रदेश में अगर किसी का स्थान बना है तो मध्य प्रदेश का बना है। इसीलिए हमने केवल आज ये मेला करके खत्म नहीं करने वाले, आने वाला 2025 का वर्ष हम उद्योग वर्ष के नाते से मनाने जा रहे हैं, जहां लगातार उद्योग और व्यापार व्यवसाय की गतिविधियों को बढ़ावा देते रहेंगे। हम भूलेंगे नहीं, ऐसे कई सारे काम राज्य हम सब जानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दीदी के राज से भी 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लेने के क्षमता अगर किसी में थी तो मध्य प्रदेश में थी। बड़ी संख्या में वहां के उद्योगपतियों को भी हमने अपने प्रदेश से जोड़ा है। कर्नाटक और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से तो महाराष्ट्र की पहचान ही अलग है, लेकिन बॉम्बे से लेकर के कौन सा ऐसा राज्य और कौन से ऐसे निवेशक है जो मध्य प्रदेश नहीं आना चाह रहे हैं। पर्याप्त रूप से लैंड बैंक रखते हुए, सभी को मौका देते हुए, हमारे अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति भी इतनी अच्छी है और लोग इतने भले हैं कि कभी कोई मजदूर को लेकर आंदोलन नहीं होता है। सदैव कोई भी उद्योग आधारित जो अनुकूल वातावरण चाहिए वो सारा वातावरण हमारे अपने यहाँ बना हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ टूरिज्म के सेक्टर से लगा करके एजुकेशन के सेक्टर तक हर सेक्टर में बड़ी संभावना है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर बहुत सारी बातें मैं कह सकता था, लेकिन समय की कमी है। मेरी अपनी ओर से इस अच्छा आयोजन की आप सबको बधाई और उम्मीद करेंगे ये मिलने मिलाने का और आगे बढ़ने का कारवां लगातार बढ़ता जाएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना बधाई। जब पुरस्कार मिलता है तो तालियां बजनी चाहिए। गोंड पेंटिंग के सजीव प्रदर्शन के लिए श्री आत्माराम भोपाल का द्वितीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। उनके प्रतिनिधि मंच पर आ चुके हैं। रेवा स्वयं सहायता समूह धार के प्रतिनिधि से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टेज के पास आ जाएं।
तालियां निरंतर बजती रहे तो हमें भी और आपको भी बहुत आनंद आएगा। महिला हेतु चयन किया गया है और उनके प्रतिनिधि मंच पर मौजूद हैं। संत रविदास स्वयं सहायता समूह उज्जैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी स्टेज के पास आ जाएं। अगला नंबर उन्हीं का है। इसी वर्ग में संत रविदास स्वयं सहायता समूह उज्जैन का द्वितीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया है और उन इस वर्ष सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के भागीदारों में कृतिका हर्बल्स रेवा का प्रथम पुरस्कार है। कृतिका हर्बल्स रेवा को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मंच पर आ जाएं। इसके बाद राजेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर मुरैना और मोहम्मद यूसुफ मास्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज पर आ जाएं। बिलोंग करते हैं संयुक्त रूप से इन्हें द्वितीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। राजेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर मुरैना और मोहम्मद यूसुफ मास्टर क्राफ्ट प्रतिनिधि हैं तो वो भी मंच पर आ जाएं। स्टार्टअप्स के भागीदारों में तरुसर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल का प्रथम पुरस्कार हेतु चयन किया गया है और तरुसर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट ये तरुसर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का अवार्ड है। शासकीय वर्ग में इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार के लिए एमपी लघु उद्योग निगम लिमिटेड का चयन किया गया है और यह अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स काफी एक्टिव होते हैं इसलिए पुरस्कार के हेतु डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का चयन किया गया है। प्लीज उनके प्रतिनिधि भी स्टेज पर आ जाएं। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इस बार ज्यूरी स्पेशल अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा। शासकीय वर्ग में एमपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड तथा एमपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है। एमपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एमपी स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन यस सर के भागीदारों में श्री राहुल जाधव एवं महक कसेरा फाउंड फूड रतलाम को दिया जा रहा है। श्री राहुल जाधव बैतूल एवं महक कसेरा फूड पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि विशेष अतिथि एवं आप सभी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो एक बार अपने लिए हमारे लिए और हमारे मुख्य अतिथियों के लिए प्लीज अब इनसे कृपया नीचे वो आसन ग्रहण करें उसके बाद कल्चरल हाँ कल्चरल पूरे होने के बाद बहुत बहुत तालियों के साथ सबका अभिवादन करें। मंच पर आसीन मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगी कृपया आके नीचे सोफे पर अपना सीट जानकी बैंक फ्रॉम जबलपुर हाँ जी।